अरे बस गाड़ी स्टार्ट करने लगे तो अब गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही क्योंकि बैटरी बैठ गई है। 5 दिन से गाड़ी खड़ी है ना, 3 दिन तो वहाँ, 4 दिन तो उस साइड में खड़ी थी, 1 दिन यहाँ हो गया हमको, 5 दिन। अब गाड़ी लोड करने जा रहे, गाड़ी स्टार्ट कर रहे थे, सुबह भी करी पर हुई नहीं, तो हम सोच रहे थे कोई गाड़ी आएगी तो धक्का मार लेंगे, बैटरी खोल के स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन कोई गाड़ी अभी आई नहीं, तो प्रेशर पूरा डाउन है, देख सकते हो अभी है ना। बूस्टर खोलना पड़ रहा, तो अजय भाई बूस्टर खोल रहा है, फिर धक्के से स्टार्ट कर लेंगे, फिर चलते गाड़ी लोड करने के लिए। खोल रहे हैं अजय भाई नीचे बूस्टर, 3-1 इंची बूस्टर खोलना पड़ेगा, फिर हिलेगी। नील रहा, रिंग पाना लगाना, तो रिंग पाना चल, मैं आ रहा हूँ। हो गई दोस्तों गाड़ी स्टार्ट, बस प्रेशर डंडिया भर जाए, फिर ये वाली बत्ती बुझ जाएगी ना, यहाँ पे 3-4 डंडे हो जाएगी तो बत्ती बुझ जाएगी, प्रेशर भर जाए फिर निकलते है भरने के लिए। चलो भाई चलो भरते हैं गाड़ी, यार काफी दिन हो गए खड़े खड़े, महीने में 15 दिन गाड़ी चल रही है और 15 दिन तो भाई खड़ी रह रही है गाड़िया, सीजन बोल रहे काय का सीजन भाई, कोई सीजन नहीं गाड़ी वाले के लिए, तो चलते हैं कोई नहीं, जैसा धंधा चलेगा वैसा चलते रहेगा और चलाएंगे गाड़ी, क्या कर सकते है, लिए गाड़ी तो चलाना तो पड़ेगा। चलते भाई गाड़ी भर के, फिर मिलते आपको। फाइनली दोस्तों गाड़ी अपनी जहां लोड करने आना था वहां पर आ गए और गाड़ी भी अपनी लोड हो रही है, बस लगभग थोड़ी सी गाड़ी बची है अपनी, बस इसके बाद में तिरपाल बांधना है, तो देख सकते हो हाइट वाइट तो दी है भाई अपनी गाड़ी में, और हाइट का चालान भी देंगे ये लोग, कंपनी बना के देगी, हाइट का चालान के पैसे लगते है 2000 रूपए अगर यहाँ बना के देंगे तो, अगर रास्ते में ITO पकड़ा तो 4000 का चालान है गुजरात का, बाकी MP का अलग है, MP में अलग परेशान करते है बॉर्डर पे, तो वहाँ पे भी देना पड़ता है। तो चलो चुकी है गाड़ी, उस साइड का 1-2 पार्सल सेट कर रहे हैं, फिर रस्सा तिरपाल करेंगे उसके बाद में निकलेंगे, तो करते हैं रस्सा तिरपाल, फिर मिलते हैं आप लोगों से। पेपर वेपर मिल गए दोस्तों अपने को, बस अपनी फ्लाइट उड़ने के लिए रेडी हो चुकी है, तो चलो निकलते भाई, रस्सा तिरपाल कर लिया अच्छे से, देख सकते हो लाइट में खड़ी है गाड़ी, देख सकते हो इतनी हाइट आई है भाई, तो हाइट का चालान तो कटवा लिया है, मतलब कंपनी ने काट के दिया है भाई हाइट का चालान, चलते हैं। चलो अपनी रानी का खुराक डलवा लिया जाए अभी भाई, भीड़ भाड़ा का तो काफी हो रखा, किधर लगाई गाड़ी, इस पे नहीं है, उधर आगे वाले पे लगाना पड़ेगा, हाँ इधर खुला है, डल चुका दोस्तों गाड़ी में डीजल अपना, और डीजल डलवा लिया 8020 रूपए का, 86 लीटर 87 पॉइंट आया है, और इनाम वाला सिस्टम है, ये पर्ची में गाड़ी नंबर वगैरह डाल दिया है, तो जनवरी में इनाम मिलने वाला है, चिट्ठी देख सकते हो, ये किसी का भी इनाम लग सकता है, लकी ड्रो भाई लकी ड्रो, पता है इनाम की पर्ची जिसकी भी मतलब किस्मत में खुलेगा। इनाम में क्या क्या है, TV है, फ्रिज है, स्कूटी है, वॉशिंग मशीन है, सब कुछ है, सब कुछ, चलो ठीक है, तो दे दिए अंकल जी को पैसे और निकलते भाई। अजय भाई अभी गिट्टी पत्थर चेक कर रहे हैं, बाकी रास्ता वस्ता भी अभी तो कोई ढीला नहीं हुआ होगा, ये टाइट है अभी तो रास्ता, कोई टेंशन नहीं, अजय भाई फटाफट चेक कर लो फिर निकलना अपने को। अंकल जी क्या हाल है, हाँ चले अंकल जी, मेरे वीडियो डेली देखते भाई उनके कमेंट वगैरह भी आया करते हैं वीडियो में, और हम लोग हमेशा इधर से जब भी जाते हैं ना तो डीजल यहीं पे डलवाते हैं। सरकार ने जो ट्रक ड्राइवर के ऊपर नियम निकाला है ना, गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए तो 10 साल की सजा या फिर उसको अस्पताल लेके जाओ, तो ये नियम तो मतलब कुछ काम का नहीं है, सबसे ज्यादा इस नियम को खराब करने वाले छोटी गाड़ी वाले भाई, गलती हम तो लाइन में चलते हैं, देखो अभी भी हम लोग रेलवे क्रॉसिंग पे है लाइन में चल रहे हैं, लेकिन छोटी गाड़ी वाले देखो ये रॉन्ग साइड भाई, कोई इस साइड से घुस रहा है रॉन्ग साइड से, कोई इधर से जा रहा है, मतलब हम तो लाइन में चलते ट्रक वाले हमेशा ईमानदारी के साथ में गाड़ी चलाते हैं, हमको कोई जल्दी नहीं भाई, लेकिन छोटी गाड़ी वालों को भाई बहुत जल्दी, भाई आप लोग भी ड्राइवर हो, हम भी ड्राइवर है,
समझना चाहिए यार, ये अब नियम जो लागू हो रहा है ना बाइक वाले के ऊपर तक लागू हुआ है, छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी ड्राइवर कोई भी हो सबके ऊपर नियम लागू हुआ है। देखो ये, देखो ये भाई परिवार के साथ में रॉन्ग साइड, ऐसे में दिखेगा नहीं और गाड़ी लग गई कुछ हो गया तो किसके नाम पे आएगा, बड़ी गाड़ी वाले के नाम पे। सुबह की बजरी 5:30 और बबलू भाई भी आ गए, ये रहे उनके घर से। तो ये गाड़ी कल सूरत से लोड हो गई थी, ये खड़ी सामने बबलू भाई वाली गाड़ी। चलते हैं थोड़ी देर बाद मुंह धो लेते हैं घर से। इस बॉर्डर के चक्कर में ना नहाया ना धोया भाई, ना कपड़े चेंज किया, पता है देख सकते हो खतरनाक जाम लगा हुआ है यार। ये सेंधवा बॉर्डर के नाम से तो परेशान है, नहाना धोना कपड़े चेंज करना कुछ भी नहीं, घर से निकल के आओ ना सुबह सुबह तो यही डर रहता कि भाई आगे जाम ना लग जाए बॉर्डर पे, और वही होता है। क्या यार दिमाग खराब होता है, गाड़ियां देखो कितनी सारी आड़ी टेढ़ी लगी हुई है, कहाँ पे लगाना गाड़ी, क्या करना कहीं समझ नहीं आ रहा। दोस्तों अपनी गाड़ी से है ना ये गाड़ी ठुक गई है, तो भाई की गाड़ी में थोड़ा सा नुकसान हो गया, बॉर्डर पे जाम लगा हुआ था बहुत ज्यादा यार, और मैं खेला था तो गाड़ी रिवर्स ले रहा था, उसके चक्कर में है ना अपनी गाड़ी लग गई भाई के शो में, तो गाड़ी का थोड़ा सा शो बैठ गया तो भाई का थोड़ा नुकसान हो गया है। तो बात चल रही है हमारी, चारों गाड़ी खड़ी है, 43 भी ये रही, 25-76 प्रेम भाई वाली ये रही, अपनी 86-80 वो रही, और बाकी 17-88 भी पीछे खड़ी है, और अपनी 86-80 से ये भाई का नुकसान हो गया यार, क्या करे यार। आज तक जिंदगी में नुकसान नहीं हुआ किसी का, पर क्या कर सकते हैं, आज अकेला था ना और जाम खतरनाक लगा हुआ था, इन बॉर्डरों के चक्कर में ना एक्सीडेंट होते हैं, अभी अपनी गाड़ी ठुक गई है बॉर्डर के चक्कर में पता है, तो क्या कर सकते हैं यार। दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, भाई से बात चल रही है, भाई का जो भी नुकसान हुआ देंगे यार। ये रही गाड़ी, चचा की गाड़ी, चचा क्या नाम? मोहम्मद अयूब। कहाँ से हो आप? निम्बाड़ा से। ये गाड़ी लग गई, देखो अपनी गाड़ी से रिवर्स लग गई थी, ये इतना नुकसान हुआ चचा का, और थोड़ा सा बम्पर बैठ गया ये। ₹3,000 दे रहे चचा को, नुकसान हुआ चचा। 4,000 जेब से भरना पड़ेगा मेरे को, इस पे 7,000 का नुकसान है, ये 3,000 मेरे को दिया है, 4,000 जेब से भरना पड़ेगा, वो भी दिल दुखा के नहीं ले रहा हूँ मैं, ये खुशी से दे रहा हूँ, उतना ले रहा हूँ मैं बस। कोई रहता ना भाई, हाँ तो झगड़े करते नहीं, झगड़े करने वाले करते, लेकिन हम उसमें से नहीं भाई, नुकसान हुआ है ना इनका तो जरूर देंगे, थोड़ा थोड़ा आधा आधा जरूर हम बांट लेंगे, तो आधा आधा हमने कर लिया है, आधा आधा कर लिया, 3,000 चाचा को दे दिए, निकलते हम लोग भी, हमारी भी गाड़िया खोटी हो रही, चाचा की भी गाड़िया खोटी हो रही, ठीक है चाचा, हाँ ठीक है बढ़िया। हो गया भाई फैसला हो गया, 3,000 चाचा को दे दिए, और चाचा मस्त इंसान थे यार, मान गए, वो बोले कि दिल दुखा के बेटा मत पैसे देना, मैंने बोला मेरी खुशी से दे रहा हूँ, दिल दुखा के आपको पैसे नहीं दूंगा, क्योंकि नुकसान भाई आपका भी हुआ है, अपनी गाड़ी से हुआ ना, तो भाई मिलजुल के रहो और मिलजुल के काम करो यार, एकता रखो ड्राइवर में, एकता रखो, वही तो मैं यूट्यूब पे भी यही बोलता हूँ आप लोगों को वीडियो में कि एकता रखो, अगर एकता नहीं होगी ना दोस्तों तो दुनिया अपने को ऐसे ही लूटेगी, पुलिस आईटीओ और भी लोग ऐसे ही लूटेंगे, तो क्या है ऐसे नुकसान भी होना, तो आपसी में समझौता कर लेना चाहिए, लड़ाई झगड़ा समाधान नहीं है उसका, तो चलो चलते हैं सब। बबलू भाई की गाड़ी में थोड़े से ब्रेक कम आ रहे हैं, तो बबलू भाई की गाड़ी का अल्टर कर देता हूँ, बबलू भाई की गाड़ी के अल्टर कर रहे थे ना, अच्छा हुआ देख लिया, लाइनर तो भाई पूरे खत्म हो रखे गाड़ी के, इसीलिए ब्रेक कम आ रहे थे, बाकी ये पतरा है ना थोड़ा सा बेंड हो गया था, इसको सही कर रहे, और लाइनर देखो दोस्तों पूरे खत्म हो गई ये, और रिपीट पे चल रहा है, ड्रम की लाइनर डालना पड़ेगा बबलू भाई की गाड़ी में इंदौर पहुंच के, बबलू भाई डालना पड़ेगा लाइनर, खत्म ही हो रखे पूरे, खत्म हो रखे लाइनर, अच्छा हुआ देख लिया, नहीं तो ड्रम कट जाते उसमें, थोड़ा बहुत ड्रम पे मार पड़ी है, कटे है ड्रम, पर क्या करे अगर नहीं देखते ना तो और ज्यादा नुकसान होता, बाकी अपनी 86 रानी चल रही भाई आगे आगे,
ये जा रही। देखो भाई पाइटिया भाई चला रहे। पाइटिया भाई बोले विक्की भाई मुझे चला दो गाड़ी, बहुत बढ़िया चल रही मस्त, बोले मजा आ रही मुझे को चलाने में, बोले चलो भाई। भाई साहब एक्सीडेंट हो गया यहाँ पे खतरनाक वाला यार, देख सकते हो एक गाड़ी ये जली हुई देखो, बाकी एक गाड़ी ये नीचे कूदी हुई है, बाकी एक गाड़ी वो पलटी खाई हुई है। भाई तीन चार गाड़िया का एक्सीडेंट हो रखा खतरनाक वाला। देखो भाई ये गाड़ी नीचे गई हुई, देखो पूरा माल रोड पे बिखरा हुआ है। अरे बाप रे खतरनाक यार। और एक गाड़ी ये जली हुई देखो, इसकी तो बॉडी नहीं है भाई, पूरी गाड़ी खत्म टोटल लाश। क्या खतरनाक एक्सीडेंट है भाई। रखिए एक ये रही, ये गाड़ी भी जल गई भाई, देख रहे हो पूरी टोटल लाश खत्म ही गाड़ी। ये टेलर पड़ा इसका। अरे बाप रे कितनी गाड़ी एक्सीडेंट हो रखी यार, बहुत सारी। एक और आगे खड़ी है दोस्तों, मैं बताता हूँ आगे चलते हैं। ये देखो दोस्तों पूरी गाड़ी की पानी बाहर, खतरनाक एक्सीडेंट भाई खतरनाक वाला। देख रहे हो ये बॉडी अलग, पूरी गाड़ी टोटल लॉस, जितनी भी गाड़ियां हैं सब टोटल लॉस हो रखी भाई। पिछले पहिया के दोनों व्हील के ले लिए लाइनर और आने कंपनी के लिए दोस्तों, देख सकते हो ये रहे चार चार पीस आएंगे इसमें, एक व्हील में चार पीस लगेंगे। 1200 का एक जोड़ा, मतलब 2400 रुपये देना है भाई को, बाकी पेमेंट खाते से करना पड़ेगा गूगल पे फोन पे, 1500 नगद दे दिए। इंदौर में जहाँ भी टाइम मिलेगा गाड़ी खाली करके है ना बबलू भाई, डलवा लेंगे लाइनर पीछे के। आगे के लाइनर तो ठीक है, पीछे के बिल्कुल खत्म हो गए भाई। गाड़ी देखते हो चलते, पूछ लेते भाई लगाना कहाँ है अपनी गड्डी को। सूरत सूरत कहाँ पे लगाना है। गाड़ी वाड़ी खाली करके इंदौर से सीधा हम मानपुर आ गए, दो गाड़ी लेकर, एक 1788 सुरमल भाई वाली और एक अपनी 8680। तो गाड़ी जो है हम लोग पहुंच गए थे कल दिन में 12 बजे इंदौर में जहाँ खाली करना था, और वो खाली करके दिए हमको 6 बजे शाम को, और हमको फिर मानपुर आते आते है ना 7:30 करीब बज गई। तो गाड़ी अपनी लोड करना था आलू, तो लोड ही नहीं हुआ भाई, और आज हो गई दूसरी सुबह। तो आज अपनी दोनों गाड़ी लोड होगी, तो सुरमल भाई वाली गाड़ी तो निकल गई लोडिंग के लिए, बस अपनी गाड़ी खड़ी है, तो थोड़ी देर बाद ट्रांसपोर्ट वाले का फोन आ जाएगा, तो इसको भी लेके जाना है, गाड़ी को वॉश करना है, बहुत ज्यादा गंदी हो रही है गाड़ी, तो वॉशिंग करते हैं यार। और इसी के साथ में आज वाले ब्लॉग को रखते हैं यहीं तक। आज वाला ब्लॉग पसंद आया होगा आप लोगों को, पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूले, और करते हैं आप लोगों को टाटा बाय बाय, और मिलते हैं आपको एक अगले नए ब्लॉग में।